Raja Khandel. Hi Raja Patel. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको जाम गेट एक्सप्लोर कराने वाले हैं और आज की डेडिकेट वीडियो इस एरिया के नाम है। तो सो गाइस, लेट्स एंजॉय विथ मी। हम महेश्वर के रूट से जा रहे हैं जाम गेट घूमने के लिए, और यदि आप इंदौर से आ रहे हैं तो आपको यह 51 किलोमीटर दूर पड़ेगा, मतलब लगभग आप 100 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और यदि आप इंदौर से आ ही रहे हैं तो बीच में आपको मऊ शहर पड़ेगा, जो फेमस स्थल है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म स्थल है, और आप आए तो वहाँ रुक सकते हैं और अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता हैं। एंड आप यदि महेश्वर के रूट से आ रहे हैं तो आपको ये महेश्वर से लगभग 33 किलोमीटर दूर पड़ेगा, मतलब आप आधे घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और आप मंडलेश्वर से भी आ सकते हैं। जैसा ये आप देख रहे हैं, हम घाट की चढ़ाई कर रहे हैं। यह घाट लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबा है, तो हम लगभग आधा घाट तो कंप्लीट कर चुके हैं, आधा और बाकी है। मतलब जाम गेट हमसे करीब 3 किलोमीटर दूर और बचा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। जल्दी ही हम जाम गेट पहुंचने वाले हैं और वहाँ की हम क्या कंडीशन है, क्या लोकेशन है, कैसी जगह है, जाम गेट क्यों प्रसिद्ध है, आपको जस्ट बताने वाले हैं। सो गाइस, हम गाड़ी चला के थक गए थे तो सोचा बीच में रुका जाए, तो यहाँ से क्या परफेक्ट व्यू आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और सब दूर एकदम घना कोहरा छाया हुआ है। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं जाम गेट। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है।
और कितना बेहतरीन माहौल है यहाँ पे, देख लो ये है जाम गेट। सो दोस्तों हमने बाइक पार्किंग में लगा दी है और अब हम पैदल पैदल अंदर जा रहे हैं जाम गेट के अंदर। ये है जो जाम गेट, ये अहिल्या बाई ने बनवाया था एंड मतलब अहिल्या बाई की एक राजधानी इंदौर में थी और एक महेश्वर में थी, तो इंदौर और महेश्वर के बीच में है ये जाम गेट, तो यहाँ पे उनका थोड़ा स्टेशन रुकने के लिए होता था, इसलिए अहिल्या बाई ने जाम गेट बनवाया था। सो गाइस फाइनली हमने जस्ट अभी जाम गेट क्रॉस किया है और हम फ्रंट साइड आ चुके हैं और जो सामने जा रहे हैं ये मेरे फ्रेंड लोग हैं। आज मैं पूरी गैंग के साथ घूमने आया हूँ जाम गेट और आपको बता दूं कि यहाँ कितने बेहतरीन व्यू आएंगे सामने से, इसलिए हमने सोचा क्यों ना सामने से वीडियो शूट किया जाए और आपको बता जाए पूरा जाम गेट और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लोर किया जाए। ये देख लो आप सामने, ये है जाम गेट, बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है जाम गेट और इसके यदि आपको ऊपर जाना है तो 5 रुपये टिकट लगते हैं, मात्र 5 रुपये, और ऊपर से इतने बेहतरीन व्यू आते हैं कि ज़बरदस्त पूरा मालवा एरिया दिखता है। सो गाइस हम एंजॉय करते हुए आप माँ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं माँ पार्वती माँ के दर्शन के लिए, जाम गेट बहुत घूम लिया तो सोचा अब चलो माँ के दर्शन किए जाए। तो ये टेंपल एक पहाड़ी पे बना हुआ है तो ऊपर बाइक 4-व्हीलर और 2-व्हीलर दोनों जा सकती है, पार्किंग का एरिया है वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। और आपको एक रियल एक्सपीरियंस बता दूँ, यहाँ पर आके पूरी थकान और आलसी तो पूरी एकदम गायब सी हो गई है, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं और बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं एकदम मस्त तरीके से। सो दोस्तों किसी महापुरुष ने कहा था, कहते हैं ना 1000 किताबों के पढ़ने के बराबर होती है यात्रा, रियल में आज वो रियल एक्सपीरियंस के साथ प्रूफ हो चुका है। हाय मजे खंडेल, हाय 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 राजा पटेल, हाय राजू पटेल, हाय गोलू, हाय हरि पटेल। सो गाइस देख सकते हैं हम यहाँ मंदिर में आ चुके हैं और मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कभी बढ़िया बनेगा यहाँ पे। और यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है देख सकते हैं आप। सो दोस्तों फाइनली आप टेंपल के अंदर जा रहा हूँ और आपको माँ के दर्शन करवाता हूँ, घूम घूम के फेस पूरा ब्लैक हो चुका है।
सो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये टेंपल 3 फ्लोर में बना हुआ है, तो हम फाइनली 2nd फ्लोर पे खड़े हैं और यहाँ से क्या बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक एकदम घना कोहरा दिख रहा है और सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों हमने माता जी का दर्शन कर लिया है और ये यहाँ पे पार्किंग एरिया है, आप यहाँ बाइक और 4-व्हीलर लगा सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमने पूरा जाम गेट एक्सप्लोर कर लिया है और माँ पार्वती माँ के दर्शन भी कर लिए हैं। अब हम निकल चुके हैं इवनिंग के सूट आउट के लिए। आप शाम के व्यू कैसे आते हैं आपको पता है, पर एक तरीके से आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो गाइस फाइनली आपको मैं बता दूं, आप कभी भी यदि जाम गेट घूमने आ रहे हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम आए तो बहुत बेहतरीन और परफेक्ट भी आएंगे, और बारिश का मौसम रहेगा तो फिर तो लाजवाब अल्टीमेट लोकेशन है। फाइनली आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट व्लॉग कौन सा शूट करना है, लोकेशन क्या रहेगी आप जरूर बताएं कमेंट। ओके बाय।